आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में की सेमीफाइनल की तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी हैं, जहां सोमवार को साउथ अफ्रीका ने मेजबान टीम वेस्टइंडीज को हराकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर खुद सेमीफाइनल में एंटर कर लिया है। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर विंडीज को 3 विकेट से हरा दिया है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम पहले बैटिंग करने उतरी, जहां वो साउथ अफ्रीका के शानदार बॉलिंग के सामने 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन बनाई। इसके जवाब में साउथ अफ्रीका को बारिश की वजह से खेल रुके जाने के बाद डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 17 ओवर में 123 रन का टारगेट मिला, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने 16.1 ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट को अचीव कर लिया। इस मैच में साउथ अफ्रीका के कैप्टन एडेन मार्करम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया, जिसके बाद वेस्टइंडीज ने 5 रन के स्कोर पर ही 2 विकेट खो दिए। इसके बाद काइल मेयर्स और रोस्टन चेज ने शानदार बैटिंग करते हुए 81 रन की पार्टनरशिप की, लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने जबरदस्त वापसी की और विंडीज की टीम को 20 ओवर में 8 विकेट पर 135 रन के स्कोर पर थाम लिया। रोस्टन चेज ने 42 बॉल में 52 रन बनाए, तो वहीं काइल मेयर्स ने 34 बॉल में 32 रन बनाए। इसके अलावा कोई बैट्समैन नहीं चल पाया। साउथ अफ्रीका के लिए तबरेज शमसी ने 3 विकेट झटके, साउथ अफ्रीका 136 रन के टारगेट के जवाब में उतरा, लेकिन 2 विकेट पर 15 रन के स्कोर पर बारिश से खेल रुक गया। इसके बाद मैच जब शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका के लिए डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 17 ओवर में 123 रन का टारगेट हुआ। इसके बाद साउथ अफ्रीका ने बैटिंग शुरू की। साउथ अफ्रीका बैट्समैन एक तरफ रन बनाते रहे और विकेट भी गिरते रहे। ट्रिस्टन स्टब्स ने 27 बॉल में 29 रन के बाद हेनरी क्लासेन के 10 बॉल में 21 रन के साथ में मार्को यानसेन के 21 बॉल की नॉट आउट पारी की मदद से साउथ अफ्रीका ने मैच को 16.1 ओवर में 7 विकेट खोकर जीत लिया। इसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश भी कर लिया। इंग्लैंड के बाद अब साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म करवा लिया है। उसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।